नमस्कार साथियों, आज मैं बरात पहाड़ी गांव आया हुआ हूं। बरात पहाड़ी जैसा कि नाम है गांव का, बरात से जुड़ा हुआ है। इस गांव में बताते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में एक बहुत बड़ी घटना घटी और इस गांव में पूरी बरात को मार दिया गया था। कम से कम 150-200 लोगों को एक साथ मार दिया गया था। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ अचानक लड़की पक्ष के क्षेत्र में जहाँ बारात आई थी, और उसके बाद सभी को मार दिया गया था। तो उसके बाद ही इस गांव का नाम बारात पहाड़ी पड़ा, क्योंकि एक पहाड़िया है इधर और उसी के पास, और यहाँ पास में ही पूरी बारात को मार दिया था। और जो दूल्हा दुल्हन थे वो भाग कर आए थे, तो उनको इस जगह पे मार दिया गया था जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी तस्वीर एक चट्टानों पे बनाई गई है उनकी स्मृति में, मेरे पीछे है, देखिए दिख रही है गुड्डा गुड़िया की, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उनकी तस्वीर है, दूर से दिख रही है, ये उन्हीं दूल्हा दुल्हन की है जो इस चट्टान पे उनकी स्मृति में बना दी गई है। इसकी वास्तविक कहानी क्या है और पूरी वारदात कब हुई थी, कैसे क्या हुई थी, इसके बारे में हम गांव के लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे। बेटा तुम बताओ, कुछ जानते हो इसके बारे में? हम जाना कठुआ से मारा। तुम नहीं जाना? चाचा आप बताइए। ये हमारे गांव की बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं। अच्छा। और यहाँ पे सभी लोग आते हैं, शादी और शादी आदि होती है तो यहीं पे हता लगते हैं। अच्छा, हता हाथ लगाते हैं? हाथ लगाते हैं। अच्छा अच्छा। शादी हो, सितारा के भी यहीं आते हैं, बरात पहाड़ी के भी यहीं लगाते हैं। अच्छा, सभी गांव से लोग यहीं आते हैं? यहीं आते हैं। अच्छा, बाकी ये इसकी कहानी क्या है, तो कुछ आइडिया है आपको? कहानी ये है कि बुजुर्ग लोग बताते रहे कि कभी यहाँ बरात आई थी जी, तो लड़ाई दंगा कुछ हुआ होगा, उससे बरात मार दी गई थी। अच्छा अच्छा। तो पहले हमारे गांव का नाम था बरात मारी। अच्छा, इसी वजह से बरात मारी हो गया था जी। फिर आगे चल के हाँ, और ज्यादा वो हुआ तो फिर इसका नाम रख दिया बरात पहाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरी पहाड़िया है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसी में वो स्थान बना हुआ है, लोगों ने झंडा भी एक लगा रखा है उसमें, और ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इसी पहाड़ के नाम पे फिर बरात पहाड़ी गांव का नाम पड़ा। और ये इधर इसके किनारे एक स्कूल बना हुआ है पहाड़ी के तट पर, उसी स्कूल से होकर हम अंदर गए थे। बाकी गांव के लोगों से बात करके बताएंगे इसके बारे में कि कब की घटना है और क्या हुआ था, ये जो जिससे एक इतिहास रच गया है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रजपाल। अच्छा, आप यहाँ के पूर्व प्रधान हैं? हाँ। बरात पहाड़ी के? बरात पहाड़ी। ये जो बरात को मार देने वाली घटना थी, हाँ, उसके निशान बने हैं पहाड़िया पे, हाँ, उसके बारे में क्या जानते हैं बताइए? उसके बारे में हम ये जानते हैं कि एक बरात से झगड़ा हो गया था, यहाँ से निकली तो गांव वालों से झगड़ा हो गया। कब की बात है, करीब कुछ अंदाजा? सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। अच्छा जी। कोई निश्चित नहीं है जी। तो वहाँ बरात के बहुत से आदमी मारे गए, बहुत से बच के भाग गए। यहाँ तक हुआ कि दूल्हा दुल्हन को भी मार दिया गया, पंडित पुजारियों को मार नहीं, दिया हुआ गया। क्या था, आप बता रहे थे कि कुछ महिलाएं नहा रही थी। हाँ, महिला नहा पानी भरने गई थी कुएं पे। अच्छा। तो वहाँ बरात वालों ने किसी ने मजाक में अश्लील हरकत कर दी। अच्छा, उन महिलाओं के साथ? महिलाओं के साथ जी। उस पर विवाद हो गया, फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वाले इकट्ठे हुए, बारात वाले भी, फिर झगड़ा बढ़ गया, फिर उसमें कत्लेआम हो गए बहुत आदमी। अच्छा, लाठी डंडे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी सब चला फिर उसमें। अच्छा, तो उसमें सभी को मार दिया। हाँ, जो दूल्हा दुल्हन तक को? हाँ, मतलब जो छिप के भाग गए वो भाग गए, नहीं जो दूल्हा दुल्हन तक को, जो नहीं भाग पाए वो सब मारे गए जी। हाँ, तो उसके बाद आप एक बता रहे थे कौन बाबा है जो भाट बाबा, क्या उनकी क्या? हाँ, उस मतलब भाट बाबा, उनमें भी एक भाट थे पहले, बरातों में भाट चलते थे जी, जो बखान करते थे अपने यश का, तो वो यहाँ से 2 किलोमीटर भाग गए थे। अच्छा, वहाँ उनको मारा गया था, तो उनकी स्मृति में अभी एक मूर्ति रखी रही है, लेकिन अब वो मूर्ति अब काफी दिन से नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ की बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो चोरी चली गई जी, तो उसकी मूर्ति तो नहीं है, लेकिन वो स्थान आज भी है। अच्छा अच्छा। और इस और उस समय बरात पहाड़ी का नाम बरात मारी। अच्छा, इस गांव का नाम पहले बरात मारी हो गया। बरात मारी था, मतलब बरात को मारने की वजह से। मारने की वजह से। अच्छा। तो बहुत दिन चला, फिर ये बदनाम हो गया।
कोई शादी संबंध करने में बड़ी दिक्कत हुई, उन्होंने कहा भाई नाम बदलो, मीटिंग हुई पुराने पूर्वजों की, तो उन्होंने कहा बरात मारी की जगह बरात पहाड़ी रख दो, क्योंकि पहाड़िया है गांव, पहाड़िया है गांव में। इस वजह से बरात पहाड़ी इसका नाम पड़ा। अच्छा, बरात मारी से बरात पहाड़ी। हाँ, बरात मारी। चलिए, तो इसके उस पे कुछ मंदिर जैसा या कुछ, ये तो एक गांव के लिए बदनामी। हाँ, बदनामी की कहानी है ये। हाँ, बदनामी की। इसको लोग छुपाना चाहेंगे, बताना तो नहीं चाहेंगे। हाँ। अच्छा, और भी कोई यहाँ पे विशेष स्थान जिसको स्थान? यहाँ पर कुछ बरातियों याददाश्त के लिए पत्थर के नीचे आज भी लाल रंग से मतलब मनुष्य की आकृतियाँ जो हाथ से बनाई जाती है जी, जी वो बनी हुई है। अच्छा। और वो उसमें कौन सा ऐसा पेंट है, कौन सा ऐसा कलर है कि सैकड़ों वर्ष बाद भी आज वो स्पष्ट दिखाई दे, जैसे आपका कहिए। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है वो दिखाएंगे अभी आप। चलिए चलिए, क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह जी, वो जो अभी चट्टान पे पुतरा पुतरिया जो बने हुए थे अभी देख के आए हम लोग, क्या जानकारी है आपको उसके बारे में, थोड़ा सा बताइए। हमें तो जानकारी है कि पुराने जमाने में बरात समारोह थी। अच्छा, बताओ थे पुराने लोग। हाँ हाँ, बस इतनी जानकारी है उन्हें। अच्छा, बस तो उन्हीं की याद में ये बना दिया गया है? बना नहीं दिया गया जी। ये अच्छा, बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा, ये लेकिन और दुल्हिया की फोटो है। अच्छा हाँ, उस पहाड़ में उधर पीछे जो है बताओ थे बारात को बनु रहू है जी है, और इतने जो है दूल्हा दुल्हिया जी बनाई नहीं है कौन है। अच्छा बनिया है। अच्छा, तो वो भाई हम लोगों ने हमने तो बने दिखे। अच्छा, बने हमने दिखे। कम से कम नहीं दिखे, तब इनकी उम्र हो गई, इनने बने दिखे, दोकरन ने दिखे, बहुत दो तीन पैर। अच्छा, तो ये जो पीछे बारात का भी कोई चिन्ह बनो है? चिन्ह बना है, कैसे बनू, ऐसे ही बनू कछु? वो उसमें बढ़िया ऐसी निशान है, रंग से बढ़िया बेहतरीन रंग से नहीं। हाँ, जा ऐसे बनी हो। चलो चलो, पानी नहीं जाता। अच्छा, बरसात क्या जितनी हो। अच्छा, होता पानी नहीं जाता तो ऐसी है, पत्थर है, पत्थर के नीचे बने, पत्थर के नीचे वो अपन देखे। अब आपका क्या नाम है जी? राजकिशोर। चलिए राजकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आए थे हम लोग यही देखने। बहुत बताते हैं कि बहुत पुराने खेरो हतु जो हाँ। बरात रात मारी डोकरा बताए करत, बहुत पुरानी बताए करते, एक भाट भाग धरो तो होते मारो तो वो भाट बाबा घाट बजा थे। अच्छा अच्छा भाई, यही है बरात पहाड़ी गांव, बरात पहाड़ी गांव। ओम नमः शिवाय। हाँ, कुछ ना कुछ ही आकृतियां जो है, अब ये कुछ कह रही हैं, पर इसको समझेगा कौन इन आकृतियों के बारे में? आप ही गया नहीं हो बता सका तो कछु। मंथन करो कछु, सोचो कि का है। मैं तो जगदीश भर लिखो दिखा रहो खड़िया से, बाकी सब खूने अच्छा रहे। अब को ने अपनो प्रचार कर दो कहे जय हो। ये भी है, ये भी कुछ चिन्ह है, हिटिंग नहीं है तब से। हाँ, ये हिटिंग का है को, ये तो कह रहे हैं खून है, ये खून से लिखे गए थे, खून से लिखा गया था। देखो ये चित्री बना। हाँ, खून से लिखा गया था, तो वो खून से, लेकिन लाल रंग है कोई। ये देखो, ये भी एक आकृति है कोई। जय हो। नमस्कार भाग्य, नमस्कार। ये देखो, हाँ जय हो, बुलाओ तो नैने आराम गोपाल। ये देखिए, ये रंग मेहनवान है का? हाँ, उठा जा जल्दी। ये में तीन इंसानी आकृति हैं, ये जो है तीन इंसानी आकृति हैं इसमें, और एक ये फूल सा है, और ये स्वास्तिक इतना है। ये जो चिन्ह बने हैं ये बीच में, ये जने हमारे पीछे रह गए ना भैया। क्या नाम आवा है आपको? राजेंद्र। राजेंद्र। हाँ। अच्छा, जो बरात पहाड़ी में जो बताओ थे बरात मार दी गई थी, हाँ।
उगी काय कहानी तेने बताऊ कछु कहानी नहीं है। बेलबई में बेलबेले आ गई थी, चगारा में छक गई थी, बरात पहाड़ी में सीमा समाप्त कर दी गई थी, यही बताल दे पूर्व जो लोग। अच्छा मतलब ये बराती इनके मार दो तू सबका। हां नगुआ मार दो तो कहीं। अच्छा क्या बता रहे आपका बता रहे नगुआ मार दो तू ना ही आता है ना उनके साथ उनको भी मार दिया था वहीं। अच्छा मतलब बताओ उसकी तस्वीर बनी। अच्छा जो बटा उठे की दूल्हा दुल्हन भागे थे सो होते स्कूल के पास उन्हें मार दो मारो ना तो उनकी मूर्ति थाप दी गई थी होते हैं उनकी तो मूर्ति थाप दी गई थी।